अस्सलामुअलैकुम, आप सबका स्वागत है हिना किचन एंड व्लॉग्स में। आज मैं लेकर आई हूँ समर स्पेशल ड्रिंक मैंगो मिल्क शेक, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बन के रेडी होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपसे तो कहेंगे कि आप हमेशा बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे चैनल में न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आगे आने वाली और प्यारी प्यारी वीडियोज़ और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिल सकेंगे टाइम पर, और कोई भी मिस ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, मैंने हाफ के जी मैंगो ले लिया था, उसके बाद मैंने हाफ के जी मिल्क ले लिया, बॉईल कर लिया मैंने। ये कुछ चेरीज़ है और ये रॉव्ज़ा, बहुत ही जल्दी बन के रेडी होगा। तो मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है, जो जूसर वाला जार है, और मैंने ग्राइंड करने के लिए मैंने रख लिया है। इसमें मैंने हाफ डाला है। अब इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून शुगर, आप अपने स्वाद अनुसार भी शुगर रख सकते हैं। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी कि बहुत ही अच्छे से सारा चीनी और आम अच्छे से सारा मिक्स हो जाए और स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसे अच्छे से मैं ग्राइंड कर ली हूँ, देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट बन चुका है, थिक पेस्ट बन चुका है। ये सिर्फ आम और चीनी का पेस्ट है, ये बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध, ये दूध है, ये हाफ लीटर है, इसे मैं पूरा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में डालूँगी कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा डाल लिया है और इसे मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए सारा। और ये है रॉव्ज़ा, ये रॉव्ज़ा मैं इसमें यूज़ करूँगी, बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोगों नहीं भी पसंद है तो वो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, दूध डालने के बाद बहुत ही अच्छा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो मैं कुछ आइस डाल दे रही हूँ क्योंकि गर्मी का वक्त है और ठंडा ठंडा मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक सबको पसंद आएगा। तो मैं आइस डाल के भी अच्छे से ग्राइंड कर दी हूँ कि सारा आइस मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी आइसक्रीम, जो बच्चों का बहुत पसंद आता है, तो मैं आइसक्रीम भी डालूंगी। तो देखिए, जो मैंने रॉव्ज़ा आपको दिखाया, मैं इसमें रॉव्ज़ा डाल ली हूँ, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है। तो मैंने इसमें रॉव्ज़ा डाल लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी आइसक्रीम, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए, रॉव्ज़ा और आइसक्रीम डालने के बाद इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी में डालना है। तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, जितना रिक्वायर्ड था। उसके बाद ये सारा को मैं अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो देखिए, हमारा मैंगो मिल्क शेक रेडी हो चुका है। तो मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में था, इसलिए मैं एक बार ग्राइंड करके मैंने डाल लिया है। तो एक जार था मेरे पास, या डब्बा का है, उसमें मैंने डाल लिया है। तो चलिए, अब मैं डेकोरेट करती हूँ। तो मैंने 2 ग्लास ले लिया है और रॉव्ज़ा ले लिया है। तो मैंने रॉव्ज़ा को पहले साइड साइड से सारा में डाल दिया है, पूरे ग्लास में मैंने रॉव्ज़ा को डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मैंगो मिल्कशेक जो मैंने बना के रखा है, मैं इसमें डालूँगी। तो देखिए, रॉव्ज़ा अच्छे से पूरा लेयर हो गया है, नीचे का एक लेयर हो चुका है। अब मैं इसमें मैंगो डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी मावा, जिसको बहुत लोग खोआ भी कहते हैं, तो मावा डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसमें मैंने मावा डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी चेरीज़, छोटे छोटे चेरीज़ आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, तो उसे मैंने कट कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है। फिर मैंने किशमिश डाल दिया है, जिसे रेजिन्स कहते हैं। उसके बाद मैंने फिर एक लेयर मैंगो मिल्क शेक का डाल दिया है कि ये पूरा लेयर हो जाए। उसके बाद फिर ऊपर से मैं फिर से मावा डालूँगी, इसको अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए और बहुत ही अच्छा टेस्ट के लिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं चेरीज डाल दूँगी ऊपर से, फिर कुछ किशमिश डाल दूँगी, जिसको नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बीच में चेरी। तो ये हमारा मैंगो मिल्क रेडी हो चुका है पीने के लिए, इसको आप चिल्ड करके पीजिए तो और मज़ा आ जाएगा। तो मैंने आपको एक ग्लास का दिखा दिया, ये मैंने दूसरा ग्लास को भी वही सेम प्रोसेस फॉलो किया, बट इसमें मैं ऊपर का डेकोरेशन अलग करूँगी। तो जैसे देख रहे हैं आप, मैंने खोआ डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी आइसक्रीम, इससे अलग टेस्ट आता है। तो मैं खोआ डालने के बाद उसमें आइसक्रीम डाल दी हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा खोआ डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ
चेरीज। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा आइसक्रीम हुआ है, जिसको आइसक्रीम पसंद है वो आइसक्रीम डाल के खाए, जिसको आइसक्रीम नहीं पसंद वो फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बताया आप वैसा डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ काजू कुछ किशमिश डाल दीजिए, इससे टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। तो देखिए ये हमारा सेकेंड ग्लास रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो चुका है। मैं कुछ ड्रॉप्स रफ्जा का डाल दे रही हूँ। तो देखिए बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो चुका है हमारा मैंगो मिल्क शेक। अगर आपको अच्छा लगा हो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक भी शेयर करें और आप लोग घर पे भी ट्राई करें। तो देखिए चिल्ड होने के बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा रफ्जा डाल दिया, उसके बाद देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। तो आप चिल्ड करके खाइए, आप स्पून से भी खा सकते हैं या आप उसको पी भी सकते हैं, आपका चॉइस है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।